आलू चना साग। आलू चना साग बनाने की विधि, सबसे पहले तो रात भर काबुली चना भिगोकर सुबह पकाने से पहले इन्हें उबाल लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और अब इसमें लहसुन की कलियां, अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च चीरे हुए, हरा धनिया, पुदीना, पालक डालकर मिलाते हुए बगैर ढक्कन के पकाएं। इसके बाद इसे मिक्सी जार में डालकर ठंडा होने के बाद बारीक ग्राइंड कर लें। इधर चूल्हे पर एक पैन में तेल गर्म कर इसमें प्याज, नमक डालकर हल्का भून लें। इसमें थोड़ी हल्दी भी डालें। फिर इसके बाद अदरक लहसुन का मिश्रण भी डालकर मिलाते हुए टमाटर के टुकड़े, छोले मसाला, उबले हुए काबुली चना, आलू डालकर 2 मिनट मिलाते हुए पकने दें। साथ ही अब ग्राइंड किया हुआ पालक का पेस्ट भी डालकर थोड़ी देर इसे पकाएं। जब तेल ऊपर आने लगे चूल्हा बंद कर दें। तैयार हरे रंग में आलू चना साग को पराठा, पूरी या चावल के साथ भी खा सकते हैं।